पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इंदौर के अटल खेल परिसर में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ पूर्व मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया। कार्यक्रम के आयोजक अंकित मुन्नालाल यादव ने बताया कि अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय खेल महोत्सव में क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, स्केटिंग, फुटबॉल सहित 7 प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। मुख्य अतिथि तुलसी सिलावट ने दीप प्रज्वलित कर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने सभी को आयोजन की शुभकामनाएं दी। साथ ही शांति के प्रतीक गुब्बारों को आसमान में छोड़ा और सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। बताया अटल खेल परिसर में जो ये शुभारंभ हुआ 2 दिवसीय खेल महोत्सव का, किस तरह का खेल महोत्सव और किसकी स्मृति में इसको रखेंगे? देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में अटल खेल महोत्सव का विगत कई वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। चूँकि अब अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं और पितृ पुरुष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते आ रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में ताकि बच्चों का जुड़ाव सदैव अटल जी और उनके जो प्रेरणादायक कार्य थे उनसे जुड़ा रहे, इस वजह से अटल खेल महोत्सव का आयोजन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जाता है। और यह आयोजन पूरे मध्य प्रदेश का सबसे भव्य आयोजन रहता है अटल जी के स्मृति में। अटल खेल परिसर में 7 प्रकार के अनेकों खेल होते हैं, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्केटबोर्डिंग और स्केटिंग के साथ साथ मैराथन रहती है। अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, तो किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पर किया जा रहा है? पूर्ण रूप से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही सभी बच्चों को एवं जो उनके अभिभावक आए उन सभी को मास्क और सैनिटाइजेशन का वितरण किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ही सभी बच्चों को बैठाया गया, बुलाया गया। उसके उपरांत जितने भी बच्चे आए हैं और जो भी खेल होंगे उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए ही सिर्फ गिने चुने बच्चों को एक बार में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उसके बाद में दूसरे जो बचे हुए बच्चे हैं उन्हें अवसर दिया जाएगा। आपका नाम? अंकित मुन्नालाल यादव। रोल है देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 25 तारीख को कल उनका जन्मदिन है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत का नाम, हमारे देश का नाम विश्व के पटल पर स्थापित किया। ऐसे अटल संकुल में आकर मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ। और 7 खेल एक साथ 15 वर्षों से मुन्ना भैया के नेतृत्व में, अंकित जी, तरुण के नेतृत्व में, यहाँ पर रमेश जी और कैलाश जी के नेतृत्व में ये खेल चलता है। मैं इस पूरी टीम को बधाई और शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से अटल जी का सोच था, अटल जी की भावना थी, अटल जी का चिंतन था, अटल जी का उद्देश्य था, खिलाड़ी उसी भावना से खेलेंगे। सर, आप मंत्री कब बनने वाले हैं? ये मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। चुनाव को लेकर कुछ कहेंगे?